नमस्कार, मेरा नाम वसुधा सेन है। मैं होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी से हूँ। और बच्चों, आज मैं आपको एक रोचक कथा सुनाऊंगी। अभी आप लोग सब रामायण देख रहे होंगे। ये रामायण आज से 30 साल पहले दूरदर्शन में आया करता था। इसी का रिपीट टेलीकास्ट है। तब हम आप ही के बराबर छोटे बच्चे हुआ करते थे और बहुत उत्साह और लगन से रामायण हम भी देखा करते थे, जैसे आप देख रहे हैं, है ना। और इसमें कई तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आते होंगे। इन्हीं में से एक रहस्य है, घास का रहस्य, है ना। अभी कौन सा प्रसंग चल रहा है? रावण जो है सीता जी को हरकर ले आए हैं और अशोक वाटिका में सीता जी हैं, वटवृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। रावण बार बार सीता जी के पास आता है और उन्हें कहता है कि तुम मेरी रानी बन जाओ, है ना, और तुम्हें तीनों लोक का सुख प्रदान होगा। रावण बहुत प्रयत्न कर रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार वो आया कि सीता माता को परेशान कर देता है। और एक बार तो वो राम वेश में भी आते हैं और कहते हैं कि सीता को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। जब वो वापस आते हैं अपने राजमहल में तो मंदोदरी कहती है कि आप तो राम वेश में गए थे सीता के पास, क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि जब मैं राम वेश में उनके सामने गया तो सीता मुझे दिखाई ही नहीं दी। तो इस तरह से सीता जो है वो जगत जननी है और उनको तो किसी ने समझ नहीं पाया, रावण क्या समझ पाते, है ना। तो तुमने देखा होगा कि जब रावण सीता के पास आते हैं और उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो सीता माता जो है एक तिनके को अपने सामने ऐसे रखकर उसे देखते रहती हैं। तो ये तिनके का रहस्य क्या है, इस घास का रहस्य क्या है? तो आज मैं यही बताऊंगी कि वो अपने जब रावण जब आता है उनसे अपनी बात मनवाने तो वो रावण को ना देखकर वो तिनके को क्यों देखते रहती हैं। तो इसके पीछे एक कहानी है बच्चों कि राम और सीता का जब विवाह होता है तो वधु बनकर जानकी जी अयोध्या आती हैं और उनके आगमन पर बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका विवाह उत्सव मनाया जाता है। और घर में जब वो प्रवेश करती हैं तो एक हमारे में परंपरा होती है कि जब वधू जो है सबको मीठा बना करके खिलाएंगी, है ना। तो सीता माता भी खीर बनाती हैं और तीनों रानियां, राजा दशरथ और ऋषि मुनि जो है खाने के लिए बैठते हैं और खाना परोसा जाता है। जैसे ही खाना परोसा जाता है एक हवा का झोंका आता है और उसमें से एक तिनका, छोटा सा तिनका जा कर के दशरथ जी के खीर के ऊपर पड़ जाता है। ये चीज़ जो है सीता देखते रहती हैं और उनको समझ में नहीं आता कि कैसे उस तिनके को अब उनके खीर में हाथ डालकर निकाला जाए। तो वो उस खीर में उस तिनके को घूर कर देखती हैं तो ऐसा करने से तिनका जो है जलकर एक राख की छोटी बिंदु बनकर रह जाता है। और सीता माता को लगता है कि ये किसी ने देखा नहीं, लेकिन उनके इस चमत्कार को राजा दशरथ देख लेते हैं। जब भोजन समाप्त हो जाता है तो दशरथ जो है सीता को अपने कक्ष में बुलवाते हैं और कहते हैं कि आप तो साक्षात जगत जननी हैं, मैंने आपके चमत्कार को देख लिया है। और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने तिनके को इस तरह से देखा, ऐसे आप किसी को भी नहीं देखेंगे, आप अपने शत्रु को भी इस तरह से नहीं देखेंगे। तो सीता माता जो है उनको वचन देती है और बात वहीं समाप्त हो जाता है। तो यही कारण है कि जब रावण सीता को अपनी बात मनवाने के लिए बहुत फोर्स करता है तभी भी सीता अगर चाहती तो रावण को देख करके उसको वहीं भस्म कर देती, लेकिन वो तिनके को अपने सामने रखती और राजा दशरथ को दिए हुए वचन को याद करती और शांत हो जाती। और उनको ये भी उनके सामने ये भी था कि श्री राम को रावण वध का श्रेय मिलना चाहिए। एक तो दशरथ को दिया हुआ वचन और दूसरा श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने के लिए माता सीता जो है शांत रहती, है ना, शांत रही, धैर्य से उन्होंने काम लिया। तो बच्चों, ऐसी थी विशाल हृदय जगत जननी माता सीता, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घास का रहस्य क्या है, तिनके का रहस्य क्या है। ऐसे ही कुछ
जो भी सवाल आपके मन में आता है आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, दादी से, नानी से पूछ सकते हैं, और इस तरह से रामायण का आनंद लेते रहिए और हमें भी आकर बताइए कि आपने क्या जाना और क्या सीखा। धन्यवाद।